बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोपहर में बनाने के लिए कि गर्मियां हैं क्या खाया जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना आलू का रायता बनाया जाए। उसके लिए मैंने लिया है एक आलू और इसको बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। इसके लिए हमें दही चाहिए 1 पाव, 1 पाव दही है, 2 हरी मिर्च है जिनको बारीक चॉप कर लिया है, प्याज है एक दरमियाने साइज़ का इसको भी चॉप कर लिया है। इसके अंदर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। हमें बघार के लिए 3 लाल मिर्चें ली हमने साबित और 1/2 टीस्पून जीरा, और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा ऑयल 1 टेबल स्पून। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डालना है ये जीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 2 अदद ये हरी मिर्च चॉप, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 प्याज। हमने प्याज डाल दी और अब हमने इसको कर लेना है मिक्स। बहुत इजी है, और गर्मियों में ना दिल नहीं चाहता है बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाने का या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने का, तो आप ये बना लें। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू, ये हमने इसके अंदर आलू डाल दिए। अब आलू डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। आलू आपके पास बॉइल्ड है ना, तो उसके बाद बस आपको ये झटपट से जो है ना ये मज़ेदार सा रायता मिल जाएगा खाने के लिए। अच्छा, नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जितना मैंने डाला आप भी इतना ही डालें। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो आप कम डाल लें। चीज़ को मिक्स कर लिया, अब हम इसके लिए फटाफट से बघार रेडी करते हैं। देखिए, हो गया मिक्स। अब हम करते हैं इसके लिए बघार रेडी। ये हमने 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर डाल देना है जीरा और ये लाल मिर्च। ये जी रायता हमने रेडी कर लिया था, इसके अंदर हम ये ऊपर से डाल देंगे बघार, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेगा, सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने आपके इसके अंदर जो है ना ऑयल बताया है। गर्मी इस कदर हो रही है कि मैंने सारी अस्तियाँ वस्तियाँ चढ़ा के ना तो फिर मैं कर लूँ काम। तो ये देखें, फटाफट हमने इस रायते को रेडी कर लिए, और जी ये आलू का रायता रेडी हो गया है। ट्राई कीजिएगा, सिंपल और आसान है, टेस्टी भी लगता है खाने में। और अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।